वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आजकल फेस सीरम्स को फेस क्रीम से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और देनी भी चाहिए। फेस सीरम आपको कंपैरेटिवली जल्दी फायदा देते हैं एक फेस क्रीम के मुकाबले। वैसे तो एक फेस सीरम को हमेशा कवर करना चाहिए एक फेस क्रीम या मॉइस्चराइजर से। अगर आप दो लेयर ऐड कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे सीरम डीपर भी जाता है और आपको ज्यादा फायदा भी देता है। अब जो मेन ब्रांड इस वक्त चल रहा है फेस सीरम्स का, वो है मामाअर्थ। अब मामाअर्थ के फेस सीरम्स अच्छे हैं ये हर कोई जानता है, बट मामाअर्थ में इतनी ज्यादा वैरायटी है कि वो कंफ्यूजिंग हो जाता है एक बंदे के लिए कि हमें कौन सा वाला फेस सीरम लेना चाहिए जो हमें बेनिफिट दे प्रॉपर। वैसे आपने फेस सीरम खरीद लिया, फायदा नहीं हुआ तो आप कहोगे मामाअर्थ का फेस सीरम अच्छा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो वैसे ही फायदा नहीं दे सकता। हम आज एक एक फेस सीरम के बारे में बात करेंगे मामाअर्थ के, और आपको बताएंगे कौन सा फेस सीरम आपको चूज करना चाहिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर हम टोटल वैरायटी की बात करें तो मामाअर्थ में टोटल 9 तरह के फेस सीरम आते हैं। तो आप सोचो 9 सीरम में चूज करना कितना मुश्किल टास्क है कि हमारे लिए कौन सा है। आज हम जो फर्स्ट सीरम डिस्कस करने वाले हैं वो है मामाअर्थ का एक्वा ग्लो फेस सीरम, जो कि कुछ इस पैकेजिंग में आता है। ये फेस सीरम स्पेशली ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है आपको बाकी रेंज देखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर दिस वन। ये सबसे बढ़िया हाइड्रेशन देगा। इसके अंदर होता है हिमालयन वाटर और हाइलनोरिक एसिड। हाइलनोरिक एसिड आपके फेस पे मॉइस्चर को लॉक करके रखता है फॉर अप टू 72 आवर्स लॉन्ग। तो अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है गो फॉर दिस वन, सबसे बढ़िया रहेगा और इंस्टेंट ग्लो तो देगा ही आपके फेस को। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो 699 रुपीज में आपको मिलता है 30 ml ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड फेस सीरम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मामाअर्थ का रेटिनॉल फेस सीरम। ये फेस सीरम बनाया गया है स्पेशली एजिंग स्किन के लिए। अगर आपके फेस पे एज स्पॉट्स है, जैसे कि पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस है, तो ये सीरम से बढ़िया आपके फेस पे कोई काम नहीं करेगा। स्टार्टिंग से ये पिगमेंटेशन पे काम करता है और साथ साथ फाइन लाइंस और रिंकल्स पे भी काम करता है। इंस्टेंटली ही आपके फेस को मॉइस्चर देता है और एक ग्लोइंग स्किन देने का काम करता है। अगर आप एजिंग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो गो फॉर दिस वन, आपको बाकी रेंज आपके लिए यूजलेस है। यही सबसे पहले आपको फायदा देगा। इंस्टेंटली ही आपके फेस पे कोलाजन बूस्ट कर देता है और आपको एक प्लम्पी स्किन देने का काम करता है। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो 799 में आपको मिलता है 30 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 3 जो हम फेस सीरम डिस्कस करने वाले हैं वो है मामाअर्थ का टी ट्री फेस सीरम। टी ट्री के अलावा इसके अंदर है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड हम हर कोई जानता है एक्ने प्रोन स्किन के लिए कितना बढ़िया काम करता है। उसका काम होता है आपके फेस को एक्सफोलिएट करना और आपके पोर्स को क्लेंस करना, और टी ट्री का काम होता है आपके फेस पे एक्ने के निशान हटाना और जो एक्ने के स्पॉट्स रह गए हैं उनको भी हटाना। फ्यूचर में एक्ने भी ये प्रिवेंट करता है। तो ऑयली स्किन के लिए तो ये नंबर वन ऑप्शन हो ही गया। आपको एक ऑयल फ्री स्किन देने का काम करता है। एक्ने प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, गो फॉर दिस वन सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो 599 में आपको मिलता है 30 ml ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 4 जिस सीरम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मामाअर्थ का उबतन फेस सीरम। ये फेस सीरम स्पेशली बनाया गया है उनके लिए जो बाहर बहुत ज्यादा रहते हैं और फेस पे टैनिंग हो जाती है। इसके अंदर होता है टर्मरिक और सैफ्रन। टर्मरिक आपके फेस से टैनिंग हटाता है और सैफ्रन एक वाइटनिंग इफेक्ट देने का काम करता है। ये फेस सीरम आपके फेस पे 24 आवर्स को मॉइस्चर लॉक करके रखता है और आपको एक ग्लोइंग स्किन देने का काम करता है। टैनिंग से अगर परेशान हो गो फॉर दिस वन, आपको बहुत जल्दी फायदा इसका दिखेगा और बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज टर्मरिक हर कोई जानता है टैनिंग में बहुत इफेक्टिव है। इसके प्राइसिंग की बात करें तो 499 में आपको मिलता है 30 ml ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 5 जिस सीरम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मामाअर्थ का स्किन प्लम्प फेस सीरम, जो कुछ इस पैकेजिंग में आता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं रोजहिप और हाइलनोरिक एसिड। रोजहिप का काम होता है आपके फेस से जितनी भी डलनेस होती है उसको दूर करना, और हाइलनोरिक एसिड का काम होता है मॉइस्चर को लॉक करके रखना। दोनों मिलके आपको एक प्लम्पी स्किन देने का काम करते हैं। प्लम्पी स्किन बेसिकली ये होती है जैसे आपका फेस एकदम डल फील कर रहा होता है, तो ये वो डलनेस दूर कर देती है पहले यूज से। आपको एक सॉफ्ट और सपल स्किन देने का काम करती है और एजलेस और यूथफुल स्किन देने का काम करती है। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। अगर आपका फेस डल फील कर रहा है गो फॉर दिस वन, सबसे जल्दी आपको फायदा मिलेगा। इसके कुछ प्राइसिंग की बात करें तो 599 में आपको मिलता है 30 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 6 जिस फेस सीरम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मामाअर्थ का स्किन करेक्ट फेस सीरम, जो कि कुछ इस पैकेजिंग में आता है। ये फेस सीरम बनाया गया है अगर आपके फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था टी ट्री फेस सीरम का भी यही काम है। ये काम करता है ज्यादा आपके स्पॉट्स पे, जैसे स्पॉट्स रह जाते हैं। टी ट्री का काम होता है एक्ने को प्रिवेंट करना, ये काम करता है स्पॉट्स को हटाने के लिए। इसके अंदर होता है नाइसिनामाइड और जिंजर एक्सट्रैक्ट, जो कि डीपली आपके स्पॉट्स को हटाता है और फेस को बिल्कुल क्लियर और क्लीन रखता है। इसका मेन काम यही है कि आपके फेस को बिल्कुल क्लियर रखे और स्मूथ रखे। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो 599 में आपको मिलता है 30 ml ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 7 जिस फेस सीरम के बारे में हम बात करेंगे वो है मामाअर्थ का रोजहिप सीरम। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है रोजहिप और गोटू कोला।
गोटू कोला बेसिकली एक प्लांट होता है जो आपके फेस पे कोलाजन बूस्ट करने का काम करता है, और रोजहिप का काम होता है आपके फेस पे पूरा ग्लो देना। ये बिल्कुल ही नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, बट आपके फेस पे मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, आपको एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन देने का काम करता है। ये काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है मामा अर्थ का, और रोजहिप शुरू से ही जाना जाता है फेस पे पूरे ग्लो के लिए। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो 499 में आपको मिलता है 30 ml ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 8 और नंबर 9 पे जो हम सीरम डिस्कस करने वाले हैं, एक है स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम जो कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है, तो दूसरी तरफ है 10% विटामिन सी सीरम जो कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है। ये दोनों ही विटामिन सी फेस सीरम है। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस बताएंगे ताकि आप परफेक्टली अपना विटामिन सी सीरम चूज कर पाए। बाय फार द मोस्ट पॉपुलर मोस्ट सेलिंग मामाअर्थ में जितने सीरम आते हैं, जो ये स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम है, ये बेसिकली एक क्रीमी बेस में होता है, ये क्रीमी सा सीरम होता है। ये एक बहुत परफेक्ट बेस का काम करता है आपके मेकअप से पहले, और इंस्टेंटली ही आपके फेस को ग्लो देने का काम करता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं विटामिन सी और टर्मरिक। आप अगर कभी मेकअप करने जा रहे हैं और प्राइमर आपका खत्म हो गया, एक परफेक्ट प्राइमर का काम करेगा और आपकी स्किन फॉर्मिंग का काम भी करेगा। नेक्स्ट जो आता है आपका मामा अर्थ, ये 10% विटामिन सी कंसंट्रेट है। ये वाटर बेस्ड फार्मूला होता है, बिल्कुल नॉन ग्रीसी होता है। कंपैरेटिवली इसमें ग्लो आपको ज्यादा आएगा, और बिल्कुल नॉन ग्रीसी है दोनों ही, तो आप कोई भी पिक कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं हमें कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए विटामिन सी की, तो गो फॉर दिस वन। और अगर आप क्रीमी बेस चाह रहे हैं तो आप ये वाला ले सकते हैं। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप कैसा फेस सीरम ज्यादा पसंद करते हैं। एक आता है क्रीमी सा बेस, तो दूसरा आता है वाटर सा बेस, तो बस आपने ये डिसाइड करना है और अपना परफेक्ट विटामिन सी सीरम आप चूज कर पाएंगे। अगर हम कुछ प्राइसिंग की बात करें, तो जो स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम है क्रीमी बेस वाला, इसका प्राइस है 599 फॉर 30 ml, और जो दूसरा फेस सीरम है 10% विटामिन सी, इसका प्राइस है 699 फॉर 30 ml। अब जब हम मामा अर्थ के एक एक फेस सीरम के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम थोड़ा सा इनको कैटेगराइज कर सकते हैं ताकि आप इजीली अपना फेवरेट सीरम चूज कर पाए। अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो मामा अर्थ के सारे सीरम तीन कैटेगरी में पूरे आ जाते हैं। एक आता है वाइटनिंग वाला, दूसरा आता है एक्ने वाला, तो तीसरा आता है एजिंग वाला। अगर हम वाइटनिंग की बात करें, जो कि हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, तो उसमें टोटल 5 मामा अर्थ के फेस सीरम आते हैं। एक आता है स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम, सेकेंड आता है 10% विटामिन सी सीरम, थर्ड आता है उपतन फेस सीरम, फोर्थ आता है एक्वा ग्लो फेस सीरम, तो फिफ्थ आता है रोजहिप फेस सीरम। ये सारे ही वाइटनिंग फेस सीरम है, बस स्किन टाइप इसको सेपरेट करती है। जैसे एक्वा ग्लो चलता है ड्राई स्किन पे, बाकी सब ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट हैं, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अब अगर हम एजिंग में बात करें, तो एजिंग में टोटल 2 फेस सीरम चलते हैं। एक चलता है रेटिनॉल फेस सीरम, तो दूसरा चलता है स्किन प्लम्पी फेस सीरम। इनमें भी आप वाइजली अपना बेस्ट एंटी एजिंग सीरम चूज कर सकते हैं। तो थर्ड कैटेगरी आती है हमारी एंटी एक्ने कैटेगरी। इसमें 2 फेस सीरम आते हैं, एक आता है टी ट्री फेस सीरम, तो दूसरा हमारा आता है स्किन करेक्ट फेस सीरम। तो ये थी पूरी कंप्लीट डिस्कशन मामा अर्थ के एक एक सीरम के ऊपर। जैसे कि हमने कैटेगराइज कर दिया, हमने आपके लिए इजी कर दिया है ताकि आप इजीली अपनी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट एक परफेक्ट फेस सीरम चूज कर पाए। आई होप हमारी इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी आपका परफेक्ट मामा अर्थ का फेस सीरम चूज करने में। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। कोई भी प्रोडक्ट इनमें से ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके चेक कर लें और अपना फेवरेट फेस सीरम ऑर्डर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्दी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा। गुड बाय।